अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। तो यहाँ पे जो है हमें वेलेस्ली की सहायक योजना के बाद बताया गया है कि अंग्रेज जो है वे पूरे भारत में किस प्रकार से फैले और किस तरह से उन्होंने जो है भारत में अपना आधिपत्य जमाया। वेलेस्ली के विस्तार योजना के शिकार मैसूर निज़ाम और मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आगे बढ़े। नेपाल ने भय के कारण उनके साथ मित्रता की और उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वेलेस्ली की विस्तार योजना के जो शिकार है वे मैसूर निज़ाम और मराठा सरदार बने थे। उसके बाद में जो है अंग्रेज उत्तर भारत में आगे की तरफ बढ़े और वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाने लगे। और नेपाल ने जो है अंग्रेजों के भय के कारण उनसे मित्रता की तथा उसके बाद में जो है अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया। सिख महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और अफगान विद्रोह में भी जीत प्राप्त की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सिख जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके साथ अंग्रेजों ने मित्रता की और बाद में जो है अफगान विद्रोह में भी अंग्रेजों ने यहाँ पे विजय प्राप्त की। सिंध में भी सत्ता स्थापित की। सिखों की बढ़ती हुई ताकत देखकर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की, परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था तब तक उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सिंध में भी जो है अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित की और सिखों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर जो है अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की थी, परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का शासन था तब तक सफलता प्राप्त करने में वे जो है सफल नहीं हुए तथा उन्हें सफलता प्राप्त करने का जो अवसर चाहिए था वह प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता कि रणजीत सिंह उस समय के शक्तिशाली शासक थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वे लोग वापस सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके, सफलता प्राप्त नहीं कर सके, इसीलिए जो है उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की। और उस समय में जो है रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का निर्माण किया। आसपास के अधिकतर प्रदेशों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो रणजीत सिंह थे उन्होंने यहाँ पे राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय जो अफसर थे जो यूरोप के उनकी सहायता से जो है मजबूत सेना का निर्माण किया था। और आसपास के जो अधिकतर प्रदेश थे उन सभी प्रदेशों पर राजा रणजीत सिंह जो है उनका शासन था। उन्होंने वहाँ पे विजय प्राप्त की थी। उनके अवसान के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सके। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया। हार्डिस गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राजा रणजीत सिंह जो है उनके अवसान के बाद जो है पंजाब में अराजकता फैल गई और राजा रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तब तक जो है पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने का जो है साहस भी नहीं कर सके, परंतु उनके अवसान होने के बाद जो है अंग्रेजों को यह अवसर प्राप्त हुआ और हार्डिस गवर्नर जो है वह जनरल के रूप में हार्डिस जो है वह गवर्नर जनरल के रूप में भारत आते ही उन्होंने जो है सिख साम्राज्य के और भेदभाव की नीति से जो है अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पंजाब में भी अंग्रेज जो है वे इस तरह से आगे बढ़े। डलहौजी हड़प नीति, इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।